गुरुवार को अमलतास पर्यटन परिसर सिलारी में पेंच टाइगर परियोजना नागपुर के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में परियोजना के बफर जोन में वर्षा सेटिंग पर्यटन शुरू करने के संबंध में पेंच टाइगर परियोजना के आसपास के रिसोर्ट संचालकों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस परिचर्चा में पौनी बफर क्षेत्र में मौजूदा पर्यटन मांग की लंबाई एवं स्थिति पर भी चर्चा की गई। साथ ही पौनी बफर क्षेत्र में नए नेचर ट्रेल के निर्माण पर भी चर्चा की गई। पेंच रिसोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से उपनिदेशक से विभिन्न मांगें की गई है। रिसोर्ट मालिकों ने विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी की, जैसे कि सिलारी पर्यटन परिसर में प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, प्रकृति गाइडों की ग्रेडिंग, पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रकृति गाइडों का प्रशिक्षण, बाघ संरक्षण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही संरक्षण में रिसोर्ट संचालकों के योगदान के संबंध में अतुल देवकर ने भूमिका निभाई। उपनिदेशक ने नेचर गाइड और रिसोर्ट संचालकों से अपील की कि वे पर्यटकों के बीच बाघों के साथ साथ अन्य जानवरों और जंगल की समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करें। उपनिदेशक ने आशा व्यक्त की कि रिसोर्ट संचालक संरक्षण शुल्क के माध्यम से बाघों के संरक्षण में बहुमूल्य योगदान देंगे और उन्हें रिसोर्ट संचालकों द्वारा दी गई सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। रिसोर्ट चालक मापा सिंह तुले चंद्रपाल चौक से, नवीन चौक से संदीप सिंह, विशाल वैद्य, स्वानंद सोनी, साथी जिप्सी चालक प्रतिनिधि वर्मा, गाइड प्रतिनिधि और वन विभाग के सहायक वन संरक्षक अतुल देवकर, वन रेंज अधिकारी मंगेश ताटे, प्रियदर्शन बाभाले, प्रदीप शंकरपाल एवं प्रतीक मोदवान उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।